जय हिंद दोस्तों, स्टडी विद गुरुजी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भाषा का विकास। भाषा का विकास किस तरह से होता है दोस्तों, और ये जीन प्याजे, नोम चॉम्स्की, लो बाइगोस्की, इनके अनुसार हम भाषा का विकास को देखेंगे, क्योंकि यहाँ से टेट, सी टेट, सुपर टेट, यहाँ से भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। काफ़ी बार आप प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हुए हैं आप उनको उठा करके देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिरकार भाषा क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे भाषा का विकास जीन प्याजे, नोम चॉम्स्की, लो बाइगोस्की के अनुसार। तो आइए शुरू करते हैं भाषा। भाषा, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष शब्द से हुई, जिसका अर्थ है कहना, बोलना और उच्चारण करना। कहना, आप किसी बात को कहते हैं उसको कहना कहते हैं। बोलना, किसी को बोल करके किसी बात को आप बताते हैं उसको बोलना कहते हैं। उच्चारण, जैसे हम आपको कोई चीज, इस कोई किसी चीज पे लिखी हुई बातों को उसको पढ़ करके हम बता रहे हैं उसको कहते हैं उच्चारण। भाषा मुख से निकलने वाली सार्थक, अर्थात जिसका कोई अर्थ हो, सार्थक शब्दों या वाक्यों का एक ऐसा समूह है जिसके द्वारा हम अपने विचारों, भावों का आदान प्रदान करते हैं। दोस्तों, विचारों और भावों का आदान प्रदान आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके मुख से जो शब्द, जो वाक्य आप बोल रहे हैं उनके मुख से जब तक उसका अर्थ ना निकले, तब तक आप विचारों का आदान और प्रदान नहीं कर सकते हैं, उसका भाव आप प्रकट नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार भाषा के दो रूप होते हैं दोस्तों, एक होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। एक और होता है सांकेतिक, लेकिन अगर मुख्यता पूछे तो मुख्यता आपके दो ही हैं, एक मौखिक एक लिखित। मौखिक ये आप लोग जान ही रहे होंगे, मौखिक अर्थात जिसे हम बोल करके जो भाषाओं का आदान प्रदान करते हैं उसे मौखिक कहते हैं, और लिखित जिस चीज को हम लिख करके विचारों और भावों का आदान प्रदान करते हैं उसे हम कहते हैं लिखित भाषा। सांकेतिक को होता है जो हम इशारों के माध्यम से जब हम किसी बात को कहते हैं तो उसे कहते हैं सांकेतिक माध्यम। तो भाषा के मुख्यतः दो रूप हैं, एक मौखिक एक लिखित, लेकिन गौण के रूप में अगर पूछा जाए तो आपके एक सांकेतिक भाषा भी है। आइए आगे भी देख लेते हैं भाषा अर्जन से संबंधित, क्योंकि यहां से सीटेट हो, टेट हो या सुपर टेट हो, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। भाषा अर्जन एवं अधिगम, तो भाषा अर्जन क्या है एवं अधिगम यानी लर्निंग की बात कर रहा है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा क्या है दोस्तों, एक अर्जित संपत्ति होती है, यानी भाषा को अर्जित किया जाता है, न कि पैतृक संपत्ति, यानी ये पैतृक संपत्ति नहीं है दोस्तों, और सीटेट के एग्जाम में यहां से प्रश्न देखने को जरूर मिलता है। अगला है बच्चा तीन प्रकार से भाषा अर्जित करता है, एक अनुकरण के माध्यम से, एक अभ्यास के माध्यम से, एक पुनरावृत्ति के माध्यम से। अनुकरण, जब हम हमारे द्वारा बच्चा जिसे हम कोई चीज कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, उसको देख करके उसका अनुकरण करके जब बच्चा उसी काम को दोहराता है उसको कहते हैं अनुकरण के माध्यम से। अभ्यास, जब कोई चीज गलती हो जाती है और गलती के माध्यम से जब उसे सुधारा जाता है दोस्तों तो उसे कहते हैं अभ्यास, और उसी अभ्यास को जब बार बार किया जाता है तो उसे कहते हैं पुनरावृत्ति। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि बच्चा तीन प्रकार से भाषा अर्जित करता है, एक अनुकरण के माध्यम से, एक अभ्यास के माध्यम से, एक पुनरावृत्ति के माध्यम से। अगला फैक्ट है दोस्तों कि भाषा अधिगम के महत्वपूर्ण बिंदु, यानी भाषा, यहां से भी जो है फैक्ट पूछे जाते हैं दोस्तों। कह रहा है कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। जी हाँ दोस्तों, भाषा क्या है, एक नियमबद्ध जो है व्यवस्था भी है। कैसे है, इसका एक सूत्र है दोस्तों, सुबोपली, सुबोपली, यानी पहले सुनेंगे, फिर बोलेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे। ये होता है एक नियमबद्ध व्यवस्था, जो कि चार कौशल के अंतर्गत आते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, और सीटेट के एग्जाम में ऐसे ही फैक्ट उठा करके दे देता है और कहता है क्रमवार इसे मिलाइए। अगला है भाषा निरंतर परिवर्तनशील है। भाषा क्या है दोस्तों, एक निरंतर जो है परिवर्तनशील होता है।
अगला है भाषा का प्रभाव जटिल से सरलता की ओर होता है। और अगला है भाषा सर्वव्यापक यानी सभी जगह है, घर में, परिवार में और समाज में, विद्यालय में, हर जगह जो है ये भाषा फैला हुआ है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं जीन पियाजे, चोमस्की और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विकास कर भाषा और विचार। एक तरफ देख रहे होंगे दोस्तों जीन पियाजे, दूसरी तरफ लियो वाइगोत्स्की, यानी इन दोनों में हम भाषा विकास के क्रम के डिफरेंस को देखेंगे कि किसने क्या कहा है। दोस्तों जीन पियाजे ने कहा था कि शरीर के विकास के साथ साथ भाषा का विकास होता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी दिया था। इन्होंने ये बताया कि जैसे जैसे बच्चा संज्ञान होता है यानी संज्ञान की अवस्था में जाता है वैसे वैसे उसकी भाषा का विकास होता रहता है। दूसरी तरफ लियो वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि नहीं, भाषा का जो विकास होता है वो यानी कि संज्ञानात्मक अवस्था से नहीं, बच्चा जब समाज में घुस करके समाज के द्वारा क्रियाकलाप करके जो चीज़ें सीखता है उसी को कहते हैं भाषा, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा जो है सीखता है। इसीलिए लियो वाइगोत्स्की का एक सिद्धांत भी है सामाजिक अधिगम क्रिया का सिद्धांत। इसमें पहला पॉइंट है जीन पियाजे ने बताया कि पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। जीन पियाजे ने बताया कि पहले बच्चों में क्या आता है, पहले विचार आता है और फिर भाषा आती है। कहने का मतलब है इन्होंने विचार पर अधिक बल दिया था। दूसरा है विकास से भाषा आएगी। जीन पियाजे ने बताया कि विकास से ही जो है भाषा आएगी, यानी जैसे जैसे बच्चा संज्ञान की अवस्था में जाएगा उसका विकास होगा उसी क्रम में वो भाषा सीखता चला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ लियो वाइगोत्स्की जी ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, भाषा और विचार का विकास अलग अलग होता है। उन्होंने बताया कि 2 वर्ष के बाद भाषा एवं विचार का विकास एक दूसरे पर निर्भर हो जाता है, यानी 2 वर्ष के बाद जो है विचार एवं विकास जो है एक दूसरे से निर्भर हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट जीन पियाजे ने बताया कि अहम केंद्रित या आत्म केंद्रित की भावना जागृत होती है, यानी जो बच्चों में अहम केंद्रित या आत्म केंद्रित की भावना जन्म लेती है। आत्म केंद्रित या अहम केंद्रित का मतलब होता है दोस्तों जब बच्चा कोई क्रिया या कलाप करता है तो अपने मन ही मन कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता है, कुछ ना कुछ बोलता रहता है, उसी को कहते हैं अहम केंद्रित या आत्म केंद्रित, यानी स्वयं से बातचीत करना। उसी भाषा में उसी चीज को लियो वाइगोत्स्की जी ने कहा कि नहीं, ये व्यक्तिगत वार्ता होती है, यानी अहम केंद्रित ना होकर के ये व्यक्तिगत चीजें वही है कि स्वयं से बात करना, जब बच्चा स्वयं से जब बातें करता है तो उसी चीज को लियो वाइगोत्स्की जी ने व्यक्तिगत वार्ता कहा और उसी चीज को जीन पियाजे जी ने अहम केंद्रित या आत्म केंद्रित की संज्ञा दिया। जीन पियाजे ने बताया कि पहले विकास होता है फिर सीखना होता है, यानी बच्चों में पहले विकास होता है फिर जो है बच्चा सीखता है। लियो वाइगोत्स्की जी ने बताया कि नहीं, पहले सीखना होता है फिर विकास की प्रक्रिया होती है बच्चों में। तो ये डिफरेंस है दोस्तों जीन पियाजे और लियो वाइगोत्स्की में भाषा विकास को लेकर के, जो कि अक्सर सीटेट के एग्जामों में ऐसे ही फैक्ट उठा करके दे देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों ऐसे ही इसी फैक्ट को उठा करके सीधे सीटेट हो या टेट हो या सुपर टेट हो उसमें ऐसे ही फैक्ट उठा करके पूछ लेता है। आई होप जीन पियाजे और लियो वाइगोत्स्की की बातों को आप लोग समझ गए होंगे, उनकी भाषाओं को आप लोग समझ गए होंगे कि बच्चों के बारे में उन्होंने किस तरह से भाषा का विकास का वर्णन किया है। आइए अब हम लोग जान लेते हैं चोमस्की जी के बारे में कि चोमस्की जी ने भाषा विकास के बारे में क्या कहा है। नोआम चोमस्की जी ने भाषा और विचार को लेकर के
बहुत सारी बातों का वर्णन किया इन्होंने। इन्होंने बताया बच्चा जन्म से पहले ही भाषा सीख लेता है। इन्होंने ये चीज़ें बताया कि बच्चा जन्म से पहले ही जो है भाषा को सीख लेता है। अब जन्म से पहले की बात जो होती है दोस्तों, इन्होंने एक प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग किया। प्रक्षेपण का मतलब होता है दोस्तों फेंकना। इन्होंने इसे दो तरह से प्रयोग किया, एक सतही संरचना के रूप में, एक गहन संरचना के रूप में। फेंकना का मतलब होता है दोस्तों, प्रक्षेपण का जो मतलब होता है दोस्तों, वो होता है किसी भी चीज का अर्थ बताकर जो चीज फेंका जाता है, जैसे हम अपने विचार को, अपने भाषा को आपके समक्ष जो प्रस्तुत कर रहे हैं, इसका किसी ना किसी रूप में एक अर्थ है। तो जो अर्थ निकल करके जो बाहर आता है और उसका वो जो अर्थ है, वो जो विचार है, कोई दूसरा जब उसे ग्रहण करता है तो उसी को कहते हैं प्रक्षेपण। प्रक्षेपण का मतलब है फेंकना, अर्थात किसी भी चीज का अर्थ बताकर जो चीजें फेंका जाता है उसी को कहते हैं चॉम्स्की का भाषा विकास। प्रक्षेपण दो तरह से होता है, एक सतही संरचना उन्हें बताया और एक गहन संरचना। सतही संरचना में होता है ध्वनि और गहन संरचना का अर्थ होता है अर्थ, उसके अर्थ को ही समझ जाए। जैसे हम कहें एक हाथी है, तो हाथी आपने ध्वनि के माध्यम से सुना, लेकिन जब उसका चित्र बन जाता है तो उसी को कहते हैं गहन संरचना। चॉम्स्की जी ने दूसरा पॉइंट में इन्होंने बताया कि बच्चे ऐसे वाक्य भी बनाते हैं जिन्हें उन्होंने कभी नहीं सुना, आता हुए नकल नहीं कर सकते। चॉम्स्की जी ने बताया कि बच्चे ऐसे ऐसे वाक्य बनाते हैं जिसको इंसान कभी सुना ही ना हो और ऐसा लगता है कि वो नकल नहीं कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट, संपूर्ण दुनिया के बच्चों में भाषा विकास के लिए एक विशेष अवधि, क्रांतिक अवधि होती है, वह अवधि जिसमें यदि सफल अधिगम हो तो वही होगा। तीसरा, चौथा पॉइंट इन्होंने बताया कि भाषा विकास शारीरिक परिपक्वता की तरह है जो उपयुक्त देखभाल करने पर बच्चों में स्वतः होता है। यानी भाषा का जो विकास होता है वो शारीरिक परिपक्वता की तरह जो है वो भी परिपक्व होता रहता है। बच्चे सर्व भाषा व्याकरण के साथ जन्म लेते हैं। कहने का मतलब है कि वो व्याकरण जो है जन्म के साथ ही जन्म ले लेते हैं, यानी व्याकरण उनको शुरू से ही आता है, ये कहना था चॉम्स्की जी का। अगला पॉइंट है कि वे जिस किसी भाषा को सुनते हैं उसके व्याकरण को सरलता से सीख लेते हैं। दोस्तों व्याकरण शब्द से अगर भाषा शब्द पूछा जाता है तो आप चॉम्स्की को ही लगाएंगे उत्तर में। और इन्होंने कुछ बातों का जिक्र किया, इन्होंने बताया प्रिंसिपल एंड पैरामीटर का इन्होंने मॉडल भी दिया। बच्चे में जन्मजात एक क्षमता होती है जो भाषा को अपने आप पैदा होने के समय अर्जित कर लेता है। भाषा मस्तिष्क का विकास है दोस्तों, और भाषा अनेक विधाओं से सीखने की कला भी है। भाषा अनेक विधाओं से सीखने की कला का मतलब है एक अंग्रेजी वाला बच्चा यानी इंग्लिश जो बोलता है वो हिंदी भी सीख सकता है, और हिंदी वाला बच्चा अंग्रेजी भी सीख सकता है। तो अनेक विधाओं से सीखने की कला, भाषा मस्तिष्क का विकास, भाषा जन्मजात होती है, ये सब बातें नोआम चॉम्स्की जी ने बताया। जीन प्याजे ने बताया कि शारीरिक विकास के साथ साथ भाषा का विकास होता है, तो वहीं उसी के स्थान पर लेवबास्की जी ने बताया कि नहीं, भाषा का विकास उसके सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा होता। तो ये था दोस्तों नाम चॉम्स्की, जीन प्याजे, लियो वाइगोत्स्की के द्वारा बताए गए भाषा विज्ञान, भाषा का विकास। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और अपने मित्रों को भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।